हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो बनाने के लिए निकले हैं। हम और हमारे राजा भैया, साथ में बहुत लोग हैं, 5-6 आदमी हैं, और हम लोग आए हैं यहाँ पे गुजरात में। एक महाकाल मंदिर पड़ता है, छोटा वाला महाकाल मंदिर, बड़ा वाला नहीं, तो उसी को देखने के लिए आए हैं। ये देखिए, साइड से डैम दिख रहा है, डैम का झरना की तरफ पानी इस पर गिर रहा है। जूम करके दिखा रहे हैं राजा भैया, और दोनों आदमी हैं हम लोग साथ में। फिर हम घूमते घूमते आए हैं यहाँ पे। जो हमारे काका साहब थे, ड्राइवर साहब, वो बोले कि चलो यहाँ पे कुछ मंदिर, भव्य मंदिर है, तो आप लोग को दिखा देते हैं। हम लोग वहाँ गिर नेशनल पार्क गए थे, तो वहाँ कुछ खास था नहीं, बट वो काका जो हमारे ड्राइवर साहब है, वो बहुत बढ़िया है। हम लोग को घुमाने के लिए बहुत बहुत जगह पर रुके हैं, हम सब वीडियो शूट किए हैं। और रास्ते में एक और महाकाल मंदिर पड़ा है, तो इसको सोचे कि हम दिखा दें। और राजा भैया हमारे साथ में है, दोनों आदमी साथ में जा रहे हैं देखने के लिए। क्या बच्चे रोचक तथ्य है जो आपको दिखाएंगे इधर, हम वो झरना की तरह पानी गिरता है यहाँ पे, और ये महाकाल मंदिर है, और ये हमारे तो ये क्या बोलते हैं, जो इसी में राम मंदिर बन रहा है, तो वैसे ही ये मंदिर है कुछ जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब पानी का वस्तु लगा क्योंकि झरना है, इस टाइप से बाहर आ रहा है। तो पास में जाएंगे हम और राजा भैया साथ में, और मंदिर को जाकर दिखा। तो हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, अपने जूते वो तो खोल लिए हैं, और मंदिर का प्रवेश द्वार है, इधर से हम जाते हैं। ये देखिए हमारे महाकाल जी का मंदिर है सामने, जो दिख रहा है पताका फायर, जूम करके दिखाते हैं। देखिए शंकर जी दिख रही है, और ये हमारे राम मंदिर के जैसा दिखने वाला ये मंदिर, जो अभी हम लोग अंदर जाएंगे देखेंगे कैसा मंदिर है। ये महाकाल मंदिर है, राम जी का मंदिर नहीं है। अंदर जा रहे हैं, देखिए कितने बढ़िया से इसको चारों तरफ से सजाया गया है। ये फूल की सब गाछे लगी हुई है, फोटो खिंचवा रहे हैं, राजा भैया इसी में वीडियो कर रहे हैं, फोटो ले रहे भी ले रहे हैं साथ में, तो वीडियो बना रहे हैं। फिर मंदिर आपको दिखाते हैं नदी से, कि हमारे वो इंडियन झंडा भी फहर रहा है, और वो बजरंग बली का पताका भी फहर रहा है। तो आगे से जाते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे एक डैम है जो आपको पहले भी दिखाए थे हम, तो थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो दिखेगा और बढ़िया से झरना है। यहाँ पर आप जाके सेल्फी ले सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। हम अंदर सबको दिखाते हैं मंदिर का, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये नज़ारा, कितना बढ़िया ये फिल्म के दृश्य की तरह दिखाई दे रहा है, जिसे किसी लगता है किसी फिल्म का शूटिंग वाला दृश्य है आपको दिखा रहे हैं हम। और इधर हम अकेले नहीं आए, हमारे दोस्त लोग भी आए हैं। हम लोग देख रहे हैं पानी की आवाज़ से, तो आपको पता चल रहा होगा यार, पानी मतलब बहुत ज़्यादा एकत्रित हुआ है, बस उसको बाहर दिया रहा है। वहाँ पर लोग मछली को दाना खिला रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा मंदिर में जाते हैं, अंदर जा रहे हैं। ये देखिए मंदिर आगमन कर चुके हैं, पहले हमारे नंदी महाराज हैं, और उसके बाद से हमारे जो होंगे तो इधर से हम लोग जा सकते हैं अंदर। नंदी महाराज इधर से ताक रहे हैं, देव में देव महादेव जी का दर्शन आप लोग से करा रहे हैं हम। ये देखिए हमारे शंकर जी हैं, और पीछे चाहे वो लक्ष्मी माता जी हैं, शंकर जी है, मंदिर है, और बाहर आप लोग दिखाएंगे हम। गुजराती तो उतना पढ़ने आता नहीं है, पर वो लिखा है महंत श्री प्रेमालाल भारती ऐसा कुछ करके लिखा है, महाराज जी नाम लिखा है, गुरु श्री रामेश्वर महाराज ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा है, हम लोग उतना नहीं बता सकते, उसको दिखाइए नज़ारा। यहाँ का सब मंदिर का यही डिजाइन है। देखिए तो वो पताका देखिए तो कैसे लहर रहा है, हमारे महाकाल जी का मंदिर है। हम बात कर रहे हैं, वो ये मैच है, या कोई कुछ किया है तो कम हो जाएगा।